बिहार के युवा क्रिकेटरों को ट्रेनिंग के लिए अब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अब अपने जिले मुजफ्फरपुर में इंटरनेशनल खिलाड़ी यूसुफ पठान के ट्रेनिंग कैंप से प्रशिक्षण लेकर अपना हुनर दिखा सकेंगे। पठान ब्रदर्स के नाम से फेमस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मुजफ्फरपुर में क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान के 34वें सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान वो युवा क्रिकेटरों से रूबरू भी हुए। इस मौके पर यूसुफ पठान ने कहा कि वो देश के सभी इलाके में प्रतिभावान क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस दौरान मुजफ्फरपुर में भी सेंटर खोला गया। स्टार्ट किया क्रिकेट तो हमारे पास मिट्टी की विकेट हुआ करती थी और मिट्टी से हम सीमेंट विकेट पे खेले, टफ विकेट पे हम लोग मिट्टी विकेट खेले और उसके बाद हम मोतीबाग में टफ विकेट हम लोगों ने देखा था। वो हम लोग को 3 साल लग गए थे, 3 से 4 साल लग गए थे क्रिकेट स्टार्ट होने के बाद हम टफ विकेट पे खेले। तो पहले हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसी के बाद चैंपियन बनते हैं और चैंपियन इसी तरह बनते हैं। अगर वो दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे तो चैंपियन नहीं बनते। मास्टर क्लास भी किया था, काफ़ी बच्चों के पास टैलेंट है और जो रेलवे के ग्राउंड पे कैप अकेडमी वहाँ पर है जो पिछले 5-6 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और बिहार में अभी मुजफ्फरपुर में पहला सेंटर जो खुला है। तो यहाँ पर बच्चों में टैलेंट है और काफ़ी प्रतिभा है, तो बस हमारा काम ये है कि उनको नर्चर करना और जो दिक्कतें वो फील कर रहे हैं तो वो दिक्कतें उनसे दूर करना चाहिए, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छे विकेट पे खेलने को मिले। तो ये हमारा काम है कि वो बच्चों की जो दिक्कतें उनको दूर करना। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।